अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आई होप आप सब करियर संग होंगे। तो ये हमारे एक्टिवा है, एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो हमारे एक्टिवा में हैंडल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। एक्टिवा में जो हमारा इशू आ रहा है वो किसी के साथ भी इशू आ सकता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ जिसमें हो सकती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूँ। तो हमारा एक्टिवा 2014 मॉडल है ये। तो हमारे इस एक्टिवा में हैंडल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। हैंडल में क्या, हम एक हाथ छोड़कर हैंडल चला रहे हैं तो हैंडल में बहुत ज़्यादा बबलिंग आ रही है, तो हैंडल बिल्कुल भी नहीं सेट हो पा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो मैंने इसके दोनों टायर भी चेक कराए, ऑलमोस्ट इसके टायर बिल्कुल एकदम ओके थे। तो मैं इसके टायर की कंडीशन भी चेक कराया, तो इसके टायर आप चेक कर सकते हैं। तो टायर एकदम ऑलमोस्ट अभी एकदम ओके है, टायर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसका फ्रंट टायर है, मैंने आपको रियर टायर आपको चेक कराया, तो इसका रियर टायर भी अभी ओके है और फ्रंट टायर भी अभी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक हालत में। लेकिन हाँ हैंडल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो अब मैंने ऑलमोस्ट अभी इसका सारा सर्विस वगैरह सब कुछ कराई थी, लेकिन कुछ भी इशू नहीं था। लेकिन अचानक से जब बारिश वगैरह पड़ी, तो जब ये एक्टिवा पानी में गया था हमारा, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये हैंडल का इशू ज़्यादा सामने आया। तो अब मैं जा रहा हूँ शन्नू भाई को चेक कराना है। शन्नू भाई इज़ गुड मकैनिक, माला रोड पर उनकी वर्कशॉप है। तो मैंने अब उनको परसों मैंने चेक कराया, तो उन्होंने चेक करके बताया, तो इसके फ्रंट वेयरिंग है पहिए का वेयरिंग से ख़राब हो चुके हैं, और ये वाले इसके बुज भी ख़राब हो गए। तो पहिए का वेयरिंग देखिए, इसके यहाँ से कितना ज़्यादा जंग निकल गया और इसके वेयरिंग जो है पूरे टूट चुके हैं, तो उसकी वजह से इसका हैंडल नहीं सेट हो पा रहा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 जगह इसका हैंडल मैंने चेक कराया, तो कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाया। तो शन्नू भाई माला रोड पे मैकेनिक जो है, उनको वर्कशॉप है, तो मैंने उनको चेक कराया, तो उन्होंने चलाने के बाद उन्होंने बताया, तो इसके फ्रंट पहिए के इसका वेयरिंग टूट चुका है। तो मैं उनकी वर्कशॉप पर जा रहा हूँ इसके फ्रंट व्हील पहिए के वेयरिंग चेंज कराने के लिए। तो चलते हैं शन्नू भाई की वर्कशॉप पर। घर से निकल चुका हूँ शन्नू भाई की वर्कशॉप पर जाने के लिए, तो चलते हैं शन्नू भाई की वर्कशॉप पर और जाके फिर इसके जो फ्रेंड इसके पहिए का वेयरिंग है, तो इसके वेयरिंग इसके चेंज कराते हैं। शन्नू भाई इज़ गुड मकैनिक। अगर अदरवाइज़ अगर हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक है 100 सीसी से लेकर 1000 सीसी की अगर हमारे पास बाइक है, तो शन्नू भाई से हम रब्ता कर सकते हैं। शन्नू भाई इज़ गुड मकैनिक और ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी की बाइक है बहुत ईजी, कोई भी फॉल्ट जो है बहुत ईजी सॉल्व कर देते हैं, और ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्लियर बताते हैं, इस बाइक में ये प्रॉब्लम है। तो चलते हैं अभी शन्नू भाई के पास, तो मिलते हैं शन्नू भाई से। तो अब हम घर से निकल चुके हैं, तकरीबन अभी 4:10 आए हैं। तो ये हमारा हाईवे आ चुका है हल्द्वानी वाला, और इधर से हम बिलासपुर भी जाते हैं, तो हमारे बिलासपुर वाला रोड है, तो और हल्द्वानी भी और ऑलमोस्ट नैनीताल भी इधर से। तो अब हम चल दिए नूरी होटल की तरफ शन्नू भाई के वर्कशॉप पर। तो हमारा नूरी होटल है, तो आपको मालूम है नूरी होटल कितना फेमस है। ओह माय गॉड, आज का मौसम तो बहुत शानदार मौसम हो रहा है गाइस। पापा की परी तो रोड पे एक भी नहीं दिख रही हैं। तो चलते हुए जल्दी जल्दी फिर बारिश का नहीं वेट करते हुए, तो गाइस अब हम चलते हैं नूरी होटल की तरफ, बिलासपुर गेट की तरफ। और आप गाइस मौसम तो चेक कर सकते हैं, तो आज का व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अब हम जा रहे हैं शाहौद गेट की तरफ और बिलासपुर गेट से हम लेंगे आपका। चलते हुए जल्दी 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 भाई साहब, ये रिक्शा वाले ओ माय गॉड कितने ज़्यादा स्पीड से, ये तो बाइक से ज़्यादा स्पीड से लेके जा रहा है। अब हम आ चुके हैं शॉर्ट गेट की तरफ, या कि हमारा शॉर्ट गेट। तो भाई साहब शॉर्ट गेट तो आप देख सकते हैं भाई, कितना प्यारा शॉर्ट गेट का व्यू आ रहा है। ओ भाई ये देखें, एक्टिवा वाला हमारे पीछे पे चल रहा है, और ये एक्सिस वाले ने मारे ब्रेक, और ब्लड वाले भाई साहब रुक चुके हैं, और ये R15 वाला भी बीच में कहाँ से आ गया। तो चलते हैं फिर जल्दी जल्दी शन्नू भाई की वर्कशॉप की तरफ। तो चलें, तो हम ईदगाह रोड की तरफ जा रहा है। तो भाई ये घोड़े टांगों वाला किधर से आ रहा है भाई हमारा, और ये हमारा जा रहा दोस्त। तो शन्नू भाई की दुकान पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा माला रोड है, जो हमारा माला पिक्चर हॉल था, और ये शवाद गेट की तरफ भी हमारा रोड जाता है। तो अभी हम माला टाकिस वाले रोड पर हैं, जो हमारा नवाब गेट की तरफ को जाता है। तो शन्नू भाई की वर्कशॉप इसी रोड पर है, तो बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए शन्नू भाई की वर्कशॉप पर। तो चल के फिर इसका जो भी पार्ट्स है मंगाते हैं, और मैं आपको शन्नू भाई को की वर्कशॉप का विज़िट भी कराता हूँ। तो बस पहुँच ही चुके हैं शन्नू भाई की वर्कशॉप पे। तो ये मैं शन्नू भाई की दुकान पे पहुँच चुका हूँ। तो ये आप जैसे बोर्ड देख रहे हैं लगा हुआ है शन्नू भाई का, और ये शन्नू भाई की वर्कशॉप है, और ये हमारा माला रोड है, और ये हमारा शॉर्ट गेट रोड है। तो ओके गाइस, तो अब मैं इससे अपने एक्टिवा के जो बेयरिंग है इसमें सही, तो अब इसका पूरा पहिया ओपन हो गया है, तो दिखाता हूँ आपके बेयरिंग से कितने ज़्यादा बेयरिंग पूरे ख़राब हो चुके हैं। और ये इसकी ड्रम प्लेट है, ड्रम प्लेट भी इसकी पूरी क्लीन हो जाएगी, और इसके बेयरिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और ये वाले इसके बुश भी ख़राब हो गए, कितने ज़्यादा ये बुश इसके हिल रहे हैं, और इसकी वजह से इसका हैंडल नहीं सेट हो पा रहा है। तो
देखिए कितना ज़्यादा ही है हिल रहा है, और इसके वायरिंग भी ख़राब हो गई है वाले पहिए के। तो अब मैं ऑलमोस्ट इसका ये सारा पार्ट जितना है शॉकर वाले बुश और ये वाले बुश, इसके आगे पीछे का दोनों बुश चेंज कराऊंगा और अच्छे से ग्रीसिंग करा के फिट कराएंगे इसको। और ये देखें तो ऑलमोस्ट ये सारा सामान इसका ख़राब हो गया, जो इसका हैंडल नहीं सेट हो पा रहा है, तो इसके फ्रंट ब्रेक शू भी ख़राब हो गए, ये भी चेंज होंगे और वायरिंग भी ख़राब हो गए। तो इसको पूरा पार्ट चेंज करते हैं, मैं आपको वायरिंग भी निकाल के दिखाता हूँ वायरिंग कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो गाइस देखें कितना ज़्यादा वायरिंग इसका अंदर से पूरा संजा गया है और तकरीबन टूटी गया वायरिंग, और ये वाले इसके बुश भी ख़राब हो गए, ये कितने ज़्यादा ही है बुश इसके हिल रहे हैं और इसकी वजह से इसका हैंडल नहीं सेट हो पा रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा ही है हिल रहे हैं और इसके वायरिंग भी ख़राब हो गई ये वाले पहिए के। तो अब मैं ऑलमोस्ट इसका ये सारा पार्ट जितना है शॉकर वाले बुश और ये वाले बुश, इसके आगे पीछे का दोनों बुश चेंज कराऊंगा और अच्छे से ग्रीसिंग करा के फिट कराएंगे इसको। और ये देखें तो ऑलमोस्ट ये सारा सामान इसका ख़राब हो गया, जो इसका हैंडल नहीं सेट हो पा रहा है, तो इसके फ्रंट ब्रेक शू भी ख़राब हो गए, ये भी चेंज होंगे और वायरिंग भी ख़राब हो गए। तो इसको पूरा पार्ट चेंज करते हैं, मैं आपको वायरिंग भी निकाल के दिखाता हूँ वायरिंग कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो गाइस देखें कितना ज़्यादा वायरिंग इसका अंदर से पूरा संजा गया है और तकरीबन टूटी गया वायरिंग। जितना ही पार्ट्स है सारा मैं जेन्युइन पार्ट्स डाल रहा हूँ, तो चंदू भाई बोलते हैं सारा पार्ट्स इसमें जेन्युइन ही डालो, तो लोकल पार्ट्स इसमें नहीं काम करेगा। तो बस वो एक आध महीने चलेगा, उसके बाद फिर हैंडल में से फिर सेम इशू वही आने लगेगा। तो चंदू भाई मुझसे बोलते हैं तो इसमें जेन्युइन पार्ट्स डालो, तो मैं इसका पूरा ओरिजिनल पार्ट्स ही डालूंगा। तो गाइस अगर हमारे पास कोई भी कंपनी की स्कूटर है, अगर हैंडल में कुछ मसला आ रहा है, तो अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही तो आप चंदू भाई से लाजिम रब्ता करें। तो चंदू भाई की शॉप का मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया है और उनके वर्कशॉप का रोड भी बता दिया कौन सा रोड किस साइड जाता है। तो ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आप हमारी हैंडल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हिसाब देंगे कितना ज़्यादा हैंडल प्रॉब्लम थी, तो कितना ज़्यादा इसका पार्ट्स हैंडल का पूरा फ्रेंड जो पहिए का था कितना ज़्यादा बुश वगैरह और फ्रेंड पहिए का वायरिंग भी ख़राब हो चुका। तो ये प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई, ऑलमोस्ट चंदू भाई के पास में आया, उन्होंने एक सेकंड में मुझे ट्राई मार के उसको बता दिया। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, अगर हमारी बाइक में ये स्कूटर में अदरवाइज़ कोई भी कंपनी की बाइक है तो कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाजिम चंदू भाई से रब्ता कर सकते हैं।